हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भिवंडी में हुआ डिजिटल सदस्यता अभियान का प्रोग्राम, उस पर चर्चा करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और कोकण इंचार्ज बीएम संदीप साहब भिवंडी तशरीफ लाए और उनके साथ में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और भिवंडी के ऑब्जर्वर मुनाफ हकीम साहब भी मौजूद थे। इन दोनों ने आने के बाद भिवंडी कांग्रेस ऑफिस में भिवंडी के पद अधिकारियों को पद का लेटर दिया और पद अधिकारियों के साथ चर्चा की कि मेंबरशिप के ड्राइव को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में विचार किया। और ये सारा प्रोग्राम भिवंडी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन साहब की कयादत में हुआ। इस प्रोग्राम में काफी तादाद में कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक, पोस्ट होल्डर, फ्रंटल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सेल अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सदस्य मौजूद थे। आइए देखिए आगे की वीडियो। डिजिटल मेंबरशिप जो कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो मैं बीएम संदीप साहब का सही में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि वो पूरे कोकण में हर ब्लॉक के अंदर जहाँ पर भी बुलाते हैं वहाँ पर वो जाते हैं, इतनी मेहनत ले रहे हैं। तो इनका कुछ देखकर अपन भी इतनी मेहनत ले लीजिए ताकि अपनी कांग्रेस दोबारा फिर से मजबूत हो जाए। यही कहूंगा, फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बीएम संदीप साहब, आपको यहाँ पे सबको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी और आपके सर पे देने के लिए यहाँ पर आए। जितने पदाधिकारी अनाउंस हुए हैं रशीद ताहिर मोमिन साहब, इनकी अपॉइंटमेंट लेटर देने के साथ इन लोगों को ये बता दीजिए कि कम से कम 500 मेंबर आप बनाना है और ये 500 मेंबर अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको जवाब पीएम संदीप साहब को बाद में देना है, पहले तो मैं आपके दरमियान में हूँ। मैं यहाँ पर भिवंडी के अंदर आते ही मैंने हर किसी को कहीं ना कहीं किसी तंबे पे लटके हुए देखा है, तो इतना आसान नहीं है। आप तंबे पे तो लटक है, अभी आप लोगों के दिल में आपको लटकना है तो आपको काम करना है और काम करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के अंदर अगर वहां से चुनाव के लिए हमारा नुमाइंदा करने जीतेगा तो वहां की आवाम के दरमियान में आपको नेता कौन कहेगा। हमने तो आप अपने बीच में कांग्रेस पार्टी में आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया, सेक्रेटरी बनाया, सब कुछ बनाया, मगर वहां पर जो चुनाव हमारे लोकल बोर्ड के होने वाले हैं उस लोकल बोर्ड के चुनाव के लिए हर बूथ के अंदर आपको कार्यकर्ता जरूरी है। वहां पे सबसे पहले तो पुलिंग एजेंट और रिलीवर, ये दो आदमी आपके है या नहीं है ये भी आपको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप अपने आप को दुनिया के सामने अच्छे तरीके से पेश नहीं कर, अगर लोगों के दरमियान में लीडर की हैसियत से आपको पेश होना है तो अदब लिहाज के साथ साथ आपको लोगों के दिलों में बैठने का काम करना हो। और हमारे नेता राहुल गांधी जिन्होंने डिजिटल मेंबरशिप के बारे में इतने यकीन के साथ हमारे और आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत हमको मिलने वाली है। और बीएन संदीप साहब, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा उसको कौन घर के अंदर मेंबरशिप के लिए घुसने देगा। तो आपको अपने इलाके के अंदर ऐसा अपने आप को बनाना होगा कि हमारी माँ बहने आपसे ये कहे कि आइए आप घर में आइए, हमारी वोटर लिस्ट के जो हमारे शिनाख्ती कार्ड है वो आपको देगी, आपके सामने खड़े होकर वो अपनी तस्वीर निकालने के लिए आपको इजाजत देगी। ऐसा हमारा किरदार आला दर्जे का हमको बनाना होगा। हम लोगों के घरों तक जाने के सिलसिले को हमने बंद कर दिया, हमने अपनी माँ बहनों के दरमियान में जाने का सिलसिला बंद कर दिया। हम अपने पड़ोसी के बारे में हमारी कितनी जानकारी होती है आप अपने घर बार में झाके देखिए। हमारी पार्टी ये कोई नई पार्टी है और हमें ये तमाम अखबारों के जो खबरों पे नहीं जाना है। ये कल जो फैसले हुए और 3 सूबे और 4 सूबे में हमारी पार्टी का जो हाल देख के अगर हम फैसला करेंगे
तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखिएगा, उनका हाल हमसे कई गुना ज्यादा बुरा है। हम एक तरफ उनकी जीत का मामला देख रहे हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान में कई सूबे जहां पे उन्होंने सरकार बनाई वहां पे उनके पास दो से और तीसरा सीट थी। मगर हुकूमत अपने हाथ में लेकर हुकूमत को तानाशाही की तरह किस तरह चलाना है, ये अंग्रेजों के दलालों से बेहतर कांग्रेस वालों को नहीं आया। माफ कीजिए संदीप साहब, कि हमने वो ताकत इस्तेमाल नहीं की। हम ये समझते थे कि आजादी हमने गरीबों के कल्याण के लिए रखी, हम गरीबों की भलाई चाहते हैं, हम लोगों ने अपने घरों को तबाह कर अपना सब कुछ उठाया है स्वतंत्र, और इसलिए एक दूसरे को भाई की तरह समझकर हम हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए जुल्म कभी नहीं किया, और ये हमारी गलती है ऐसा आज महसूस होने लगा कि जिन लोगों ने उस दौर में आजादी की सिपाहियों को उनकी शिनाख्त करके उनको घरों से रस्सी बांध कर उनकी जिनकी बारात निकाली, वो मुखबिर अंग्रेजों के आज आकर बैठे हैं और उन्होंने पूरी मिशनरी को अपने साथ इस्तेमाल करके आज हुकूमत अपने कब्जे ले ली है। इसलिए मेंबरशिप बहुत जरूरी है। अभी तीन काले कानून वापस लिया है, क्यों वापस लिया नरेंद्र मोदी जी ने? सिर्फ राहुल जी आवाज उठा, राहुल जी लड़ाई शुरू किया, राहुल जी ट्रैक्टर रैली शुरू किया, किसान लोग बाद में अवेयरनेस आया, किसान एक साल संघर्ष किया, उसमें भी 700-800 लोग मर गए उधर किसान लोग, बस ये लोग वापस लेना पड़ा। मगर मैं किधर किसका साथ हम लोग किसको आवाज के लिए हम लोग लड़ा उधर भी वोट नहीं हमको नहीं मिला। ठीक है, एक बार लोगों को आवाज बनकर लोगों के लिए काम कर रहे थे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स लेके, वो अलग बात है। मगर इधर आने वाला समय में भिवंडी में कॉरपोरेशन इलेक्शन है, भिवंडी में कॉरपोरेशन इलेक्शन में लास्ट टाइम हमारा सत्ता था, कैसा था, क्या था, बाद में क्या हुआ, वो सब अलग बातें, हिस्ट्री है। अभी आने वाला समय में हम लोग इधर सत्ता हासिल करना इम्पोर्टेंट है। मुराद जी इधर इलेक्शन का पहले कौन कांग्रेस के सीनियर मंत्री सीनियर लीडर्स चाहिए? तारीख जी आप बोलिए, आप मोहिम जी सुरेश जी किसको भेजना है, किसको रिक्वेस्ट करना है? हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सभा दो तीन सभा करेंगे तब आपको ये माहौल बन जाता है, तब आपको चुनाव लड़ने के लिए मौका है। भिवंडी में कांग्रेस का बेस बहुत अच्छा है, इधर एक घर में एक घर बहुत नजदीक है, दारंगी में 25,000 मेंबरशिप बनाया है, उस ऐसे ही इधर भी लोग नजदीक नजदीक मिल सकते हैं, इधर ज्यादा कांग्रेस वोटर्स है। आपको मन है, आपको करने के लिए अब इच्छा है, तो इधर भी उतना ज्यादा मेंबरशिप आप लोग मिलकर कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको इच्छा चाहिए, आपको करने के लिए मन चाहिए, किसी का घर जाना, उसका साथ बात करना, मुद्दे बोलना, क्यों आया बात करना, उसका मोबाइल नंबर कलेक्ट करना, सेल्फी लेना, बाद में ओटीपी आता है ओटीपी लेना, ओटीपी डालना, ये सब होने के बाद एक आदमी नंबर हो जाता है, उसको 5-10 मिनट उसका साथ आप जुटाता है, थोड़ा संबंध आपका बढ़ जाता है। आने वाला कॉर्पोरेशन चुनाव में ये संबंध आपको वोट में परिवर्तन होने का चांसेस है, संभव है। इसलिए ये डोर टू डोर कैंपेन हम लोग क्या बोलते हैं, एक डिजिटल मेंबरशिप एक डोर टू डोर कैंपेन जैसा है, उसके आप लोग सीरियसली लेकर आप खुद डोर घर को घर जाकर आप करना है। दूसरा, महिला एनरोलमेंट रहना है, देश का आबादी 50% महिला है, महिला एनरोलमेंट नहीं है तो स्पेशली भिवंडी बहुत मुश्किल है आपको मेंबरशिप करने के लिए महिला का, क्योंकि पुरुष के साथ फोटो नहीं देता है, पुरुषों के लिए मोबाइल नंबर देता है, ओटीपी बिल्कुल नहीं देता है, इसलिए आपका किधर किसका बूथ में किसमें कौन सा ब्लॉक में वार्ड में महिला नहीं मिले तो एक्टिव वाले हमारा घर में कोई भाभी वही माँ कोई एक्टिव रहते हैं ना, उसको मोबाइल नंबर भेजकर देकर मेंबरशिप करना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये सब करते हैं, मेरे को उम्मीद है, नहीं तो अभी आने वाला 31 मार्च को एंड हो जाते हैं, इसमें जून भी नहीं बोल सकते कितना एनरोलर्स कितना मेंबरशिप किया, आपका मोबाइल में भी आ जाता है, हमारे डैशबोर्ड में भी आ जाता है, कितना वार्ड में कितना मेंबरशिप हुआ आपको पता चल जाता है। अभी रिजर्वेशन में 50% महिला रिजर्वेशन है, बोलने के लिए 50% है, 90 वार्ड से इधर बोलने के लिए 50% मीन्स 45 वार्ड लेडीज लड़ सकते हैं, मगर आप लास्ट चुनाव का आंकड़ा देखिए और 45 का ऊपर लेडीज चुनकर आते हैं, किधर भी आप आंकड़ा देखिए 50% का ऊपर लेडीज चुनकर जिला पंचायत तालुक पंचायत कॉर्पोरेशन सिटी म्यूनसिपालिटीज सब जगह 50% हम लोग बोल रहे हैं, मगर जितवा कर 50% के ऊपर महिला आ रहे हैं, इसलिए महिला लोग इसमें इन्वॉल्व होने का बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग सब मिलकर काम करना, जिला कांग्रेस कमेटी में कौन कौन पदाधिकारी है वो लोगों को बोलना, आप ये अधिकार नहीं है, ये कुछ विजिटिंग कार्ड लेटरेट के लिए आपको पद नहीं दिया है, ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाना है तो लेना है।